वो तस्वीर और इस वीडियो में मैं देखने वाला हूँ। पाकिस्तान बहुत तगड़े तरीके से जीत चुका है नेपाल से, भले ही नेपाल हो लेकिन परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिया भाई। ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में विकेट गिरा लिए, लेकिन नेपाल ने काफ़ी कुछ संभालने की कोशिश की अपनी इनिंग को। देखते हैं इंडियन मीडिया का रिएक्शन इसके ऊपर, किंग बाबर आजम के ऊपर क्या चर्चा हो रही है इंडियन मीडिया में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, विक्रांत गुप्ता का रिएक्शन देखने वाले हैं, लेट्स स्टार्ट। बट आज जो आपने बाबर आजम की बैटिंग देखी है, तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ क्या दिखा आपको बाबर आजम की बैटिंग में, आज बताइए। के रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो मतलब 100 बनाने की मशीन कह सकते हैं इनको, वो है। और क्यों मतलब अल्टीमेटली आप जिंदगी में क्रिकेट क्यों खेलते हो? आप खेलते हो टीम का टोटल बनाने के लिए, अपने रन बनाने के लिए, अपनी टीम को जिताने के लिए। भूल जाए ना आज नेपाल है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 200 ही बनाने थे। 150 रन जिस तरह से उन्होंने आखिरी 100 रन बनाए, आखिरी 100 रन आप बता रहे हैं तकरीबन 57 गेंदों में बनाए जो लास्ट के उन्होंने 100। तो बिजनेस लाइक है भाई, बाबर आजम की एक सिफत है उनको रन बनाने का तरीका आता है। ठीक है, लोग कह सकते हैं कि जी इसमें से ज्यादा इस टीम के खिलाफ है, उस टीम के खिलाफ है, बट जिस भी टीम के खिलाफ खेलोगे रन तो रन ही है, 100 तो गिने ही जाते हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग, मतलब अगेन अगर आप आमने सामने रखेंगे पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेज पाकिस्तान बैटिंग, एक अच्छी टूर्नामेंट में दो बातें हैं ना, आप कहोगे बॉलिंग तो है यार, बैटिंग का पता नहीं। बैटिंग इनके 3 बैट्समैनों ने बिल्कुल रन नहीं बनाए, और रिजवान का चलो मॉडरेट, उसके अलावा 2 ने 100 बना दिया। और अगर आप 350 रन बना रहे हो, आपकी टीम का मतलब फर्स्ट मैच जो होता है किसी भी टूर्नामेंट में वही होता है जहां पे थोड़ा सा सेल्फ डाउट्स होते हैं, जो इनको थे भी, पर बाबर ने भी पहले मैच में 100 बनाया है। और मैं इस एशिया कप को वर्ल्ड कप के साथ जोड़ता हूँ, ये कैंपेन सिर्फ एशिया कप का नहीं है, ये वर्ल्ड कप का भी है, क्योंकि एशिया कप किसी वर्ल्ड कप से कम तो नहीं है। इसमें इंडिया भी है, इसमें बांग्लादेश भी है, इसमें श्रीलंका भी है। तो भाई जो पाकिस्तान चाहता था, जो बाबर आजम चाहते थे, वो तो उनको मिल गए। राहुल भाई आप कैसे देखते हैं बाबर की जो ये भी है कि आई थिंक पाकिस्तान बेटर हुआ है। पाकिस्तान जहां पे आज से मे बी 3 साल पहले था, या 2 साल पहले था, या 12 महीने पहले था, पाकिस्तान बेटर होता रहा है। और वो होता भी है क्योंकि एक नेचुरल प्रोग्रेशन नाम की चीज है, एक साइकिल आता है। पाकिस्तान नीचे था, नीचे से उनको ऊपर आना ही है। मैं बार बार कहता हूँ एक यंग कप्तान एक यंग टीम बनाते हैं। आज उनकी टीम मुकम्मल है, आपको मालूम है किसका क्या रोल है भारत के लिए क्या। भारत ने मतलब पीक भी देखी है, ऐसा नहीं है इंडिया, लेकिन अभी भी अगर आप आमने सामने रखें 50 ओवर की क्रिकेट में, 50 ओवर की क्रिकेट में अगर आप आमने सामने रखें, अभी भी इंडिया के पास न सिर्फ तजुर्बा है, स्किल है, एज है, शायद मतलब किसी एज वी स्पीक, क्योंकि ये 32,000 लोग आपके साथ लाइव है, इसका मतलब है कि मतलब एशिया कप को जो ओपनिंग चाहिए थी वो मिल गई। मतलब ये डल मैच भी हो सकता था ना, विद ड्यू अपॉलॉजी टू नेपाल, सपोज नेपाल ने पहले बैटिंग की होती, उनके 150-250 रन होते तो एक डल मैच होता। इनफैक्ट जब मैच शुरू हुआ था इंडिया में 3 बजे और पाकिस्तान में 2:30 बजे, तो द मोमेंट बाबर आजम की बैटिंग आई स्टेडियम भर गया। मतलब भाई ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 70-80% लोग पहुंच गए। तो बहुत से लोग बता रहे थे कि जी गर्मी बहुत है वहां पे और वीकडे भी था, लेकिन मेरा पॉइंट ये, तो स्टेडियम 60-70% भरा हुआ है। बाबर आजम ने इस एशिया कप में जो तड़का चाहिए था वो लगा दिया, उन्होंने एशिया कप को भी लगा दिया, उन्होंने पाकिस्तान को भी लगा दिया। और कहीं ना कहीं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान ने टेम्पो सेट कर दिया, बिकॉज इंडिया पहला मैच खेल रहा होगा, इंडिया की दिक्कतें हैं, इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं, 11 क्या होगी, बैलेंस क्या होगा, फलाना अंदर फलाना बाहर, उसको चोट लगी है। पाकिस्तान आज से 6 महीने पहले लग रहा था पता नहीं कैसी तैयारी होगी, उनका बैटिंग ऑर्डर सेटल्ड है, उनका बॉलिंग ऑर्डर सेटल्ड है, पाकिस्तान को दिक्कत नहीं आती 11 चुनने में। भाई आज भी हम जब बात करते हैं इंडिया की, तो हम 11 में प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं ना, यार कौन से नंबर पे खेलेगा, और आपका पहला ही मैच एशिया कप में किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ। सो बहुत बड़ा मैच, सबसे बड़ा ये एडवांटेज है कि दे हैव सेट द टेम्पो। और पहले मैच में अगर आपने 3.5 से, क्योंकि एक प्रेशर तो लगा हुआ था 25/2, एक कैच उनका कैच भी छूटा, ये भी आपको बता दें, एक कॉटन बोल्ड का चांस था जो आज की डेट में आप बोलते हो एक सिंपल चांस, आज की डेट की क्रिकेट में पहले होता था, हम बोलते थे कि थोड़ा सा जी फॉलो थ्रू में मुश्किल ये वो, बट आज की डेट में हम बोलते हैं कि रेगुलेशन इजी कैच, वो जरूर छूटा, बट उसके बावजूद जो उन्होंने बल्लेबाजी खेली कप्तान के तौर पर, और ये मैचेस वो होते हैं कि आज आप आउट हो जाते बाबर 5 रन इमाम की जगह बाबर के होते तो अलग कहानी होती, बट 150 भी शायद उनका उतना ज्यादा अप्रिशिएट उस तरीके से ना किया जाए। बाबर वो कहते हैं ना, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, बाबर आजम का वो चीज़ है, और कि भाई आपके रन आ रहे हैं ना, जब तक वो रन बना रहे हैं और बड़े रन बनाते हैं, ताकि क्या होता है कभी कभार आपके खराब दिन भी आते हैं, ठीक है, लंका में उनके बहुत अच्छे रन नहीं आए, लंका प्रीमियर लीग में
उसके बाद अगर आप अफगानिस्तान वाली भी सीरीज देख लें तो उसमें उन्होंने एक पचास दो 50 मारे थे जो बुरे नहीं है बाय द वे, बट आप वही ना अफगानिस्तान से तो आप बोलते हो 100 चाहिए। अब आप ये बोलोगे, अब उसमें ये है कि उन्होंने आज एक 150 रन बनाया, और बाय द वे उन्होंने ऐसी सिचुएशन में बनाया, मैं मानता हूँ कहने को इस वक्त पाकिस्तान में जो लोग बैठे होंगे बोल रहे होंगे, वो बोल रहे हैं अरे यार नेपाल को तो मारा है, नेपालियों को उनकी टीम को हल्की टीम बेचारे भगा भगा के मार दिया, इतना बड़ा ओकेजन उनके लिए वो कर दिया, बट रन है किसने मारे और रन भाई, फखर जमान भी बहुत वक्त से खेल रहे हैं, शुरुआत फेवरेट इमाम है, इमाम ने 5 रन ही बनाए 14 बॉलों पे इवेंचुअली, बोले आप उनकी बताते हैं हर बार, अरे यार वो तो उसके बाद रिजवान रन आउट हुआ अपनी गलती से, वो जो इतना बड़ा लंबा सर्कल काट कर आए, इवन इमाम का रन आउट भी वही जो आपने बॉले मेंशन करी उसका प्रेशर था कहीं ना कहीं, बिल्कुल, और सिचुएशन रन आउट, अब सिचुएशन देखो, अब बाबर आजम किस सिचुएशन में आते हैं, वो किस सिचुएशन में अपने आप को देखते हैं कि मेरे 3 विकेटें गिर गई हैं, कप्तान मैं हूं, नेपाल के साथ अगर मैंने 250 भी बनाए ना, अगर हमारी टीम ने 250 पे निपट गई, और उस वक्त अगर बाबर आजम आउट हो जाते, यू नेवर नो, आपकी टीम, और उस वक्त नेपाल चढ़ा हुआ था, तो बाबर आजम का ये है कि उन्होंने एक तो अपनी इनिंग्स पेस बहुत अच्छी से करी, उसके बाद आप देखिए जब इफ्तिकार आया, इफ्तिकार ने आई थिंक मैं बोलूंगा कि इफ्तिकार ने वो जो गेम का मोमेंटम है ना उन्होंने बदला, आप देखिए शुरुआत में बाबर ने इफ्तिकार को भी खिलाया है, हालांकि कोई कहने को ये बोल दे यार ये बोलने वाली बातें होती हैं कि वो उसको खिला रहा है, वो उससे बॉल करवा लेता है, ही गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ हिम, शुरुआत में बाबर आजम 50वां ओवर चल रहा था, बाबर आजम इफ्तिकार ने आई थिंक लॉन्ग ऑफ, नहीं मैं पाकिस्तान से नहीं जी, आप मुझे बार बार फोन मत कीजिए, वो आपको लाइव देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक, कह रहे मैं पाकिस्तान से देख रहा हूँ स्पोर्ट्स तक देखता हूँ, बट यार राहुल भाई ये एक्स्ट्रा प्रेशर जो हम बात करें, जैसे आपने कहा कि लोग बोलेंगे यार क्योंकि अगली गेम आपकी है इंडिया, अगली मैच में अगर नहीं करेंगे तो फिर वही होगा कि हाँ जी नेपाल को तो आपने बहुत मारा पर इंडिया के केस आपने यार किया, यही तो वो भी एक है, और बाबर आजम को भी जो हम बात कर रहे हैं कि यही शायद इनके अगर ये 150 अगेंस्ट इंडिया होते, हाँ हम थोड़ा सा इंडियन टीम से और गुस्से में अग्रेसिवली बात कर रहे होते कुछ और, बट देन आप फिर बोलते हैं कि बाबर वाकई यार आज तो मान ही गए, बाबर ने क्या इनिंग्स खेली है, देखो 40,000 लोग हैं हमारे साथ, देखो दो चीजें होती जो प्लीज आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, बिल्कुल, और दो चीजें होती, ए अगर इस वक्त हम बैठे होते पाकिस्तान 342 बना के बैठा होता और इंडिया की बैटिंग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब, तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे होते, हो सकता है हम थोड़ा एक्साइटेड, बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, बैटिंग क्या होगी वो सबको पता है, कौन 11 क्या खेलेगी सबको पता है, बस ये ज्यादा रन बनाया मैंने, और भाई अफगानिस्तान की गेंदबाजी तो काफी अच्छी है ही, ठीक है स्पिनर कभी कभार वही, अभी जैसे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेला और अच्छा खेला, पूरी सीरीज जीती भी है, उसके बाद अब ऐसा स्टार्ट और ये भी मैच आप कहिए पाकिस्तान ही जीतेगा, तो क्योंकि पिछले कुछ टाइम में पाकिस्तान ज्यादा बेटर क्रिकेट खेला है इंडिया से, तो अब इंडिया पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पास कुछ एज रहेगा उस चीज का, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इंडिया से बेटर क्रिकेट खेला है, बेटर इन टर्म्स ऑफ कि पाकिस्तान खुद से बेटर हुआ, रिजल्ट की बात कर रही हूं, रिजल्ट भी, अब अफगानिस्तान हमारा लास्ट तो हम आयरलैंड के साथ खेले हैं, ये खेले अफगानिस्तान के साथ, वो भी ओडीआई और जीते हैं, अच्छा खासा मुझे लगता है खुशी की कंडीशंस, खुशी हाँ खुशी किसे, नहीं आप बताइए उसको बोलने में, तो मतलब जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स पेस करी, और हम ये एक दिन जब चर्चा चल भी रही थी तो राहुल भाई और हम बात कर भी रहे थे, तो ये पॉइंट क्या था कि जो इनिंग्स पेस करते खुशी उदास वो बड़ी तगड़ी करते हैं, और आज भी अगर उनकी इनिंग्स का ब्रेकअप, क्योंकि फिर देख रहा था मैं किस तरीके से उन्होंने किया है, पहले 51 रन उनके 72 बॉलों पर थे जब थोड़ा सा एक रीबिल्डिंग फेज और उस तरीके से चले, फिर उसके बाद जो उन्होंने 51 से 100 करे वो 37 बॉलों पर करे, ठीक है, फिर उसके बाद जो 100 से 150 करे वो 20 बॉलों पर करे, ठीक है, जो आप मतलब बहुत बढ़िया एंड रिजल्ट उनका रहा है 131 बाबर का काम भी हल्का किया, और दोनों ने बड़ी जबरदस्त पारी खेली, इफ्तिकार ने 100 किया उनका पहला पहला 100 वनडे करियर का, और बाबर का एशिया कप में पहला 100, तो पेस वाइज बड़ा अच्छा लगा, और उनको जरूरत थी इस तरीके की, बड़ी टोटल आ जाए, आप इंडिया गेम नेक्स्ट है तो पाकिस्तान बोले यार कि उनको यही सबसे ज्यादा चाहिए था, शाहीन की विकेट वगैरह थे, बाबर 50 करे थे, बट बाबर जाने आते हैं शतक लगाने के लिए, 104 मैच हो गए उनके, 19 शतक हो गए, सईद अनवर से एक शतक कम है, अब अगर इसी तरीके से कंटिन्यू, पाकिस्तान जीत चुका है इस मैच को एंड बहुत तगड़े तरीके से जीता है, ये नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ी जीत है, लेकिन इस जीत से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, छोटा किसी को नहीं आंकना चाहिए, मैं कहता हूं कि जब विकेट गिर रहे थे तो बाबर का भी गिरता, इफ्तिखार का भी गिर सकता था, क्योंकि इमामुल हक और ये भी तो बैट्समैन के तौर पे गए थे ओपनिंग में, स्टार्टिंग में रिजवान का गिर गया 50 से पहले, रिजवान भी 100 मार सकते थे, तो छोटा नहीं कह सकते आप उन बॉलों पर, विकेट
दे सकते थे ये लोग भी जिन्होंने ये सेंचुरी और ये लगाई है, लेकिन टीम को संभाला, समझ के खेले। चचा का रोल बहुत बड़ा था इसके अंदर, मैं तेज़ मारी है, बाबर के ऊपर से प्रेशर हटाया है, उनको अपना गेम खेलने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट किया है उनका प्रेशर हटाकर। तो इंडियन मीडिया में चर्चे तो होने ही हैं, बाबर आजम के चर्चे होने हैं, विक्रांत गुप्ता भी यही कह रहे हैं कि छोटी टीम बड़ी टीम ये सारे सारी चीज़ें तो बोली जाएंगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। यस, थोड़ा सा एज है पाकिस्तान के पास क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस मिल गया है पहला मैच जीतने के बाद। तो इंडिया से आप कितना भी कॉन्फिडेंस ले जाओ, लेकिन थोड़ा सा तो डर लगता है। क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड करते हैं।